हिजाब को लेकर हमारे देश में पिछले कुछ महीने से राजनीति बहुत ही ज्यादा तेज चल रही है। मुस्कान नाम की लड़की हिजाब के चलते ही पॉपुलर हो गई, बहुत सारा समर्थन मिला, बहुत सारे पैसे भी मिले, लेकिन हिजाब को ही लेकर कर कर्नाटक में एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी गई क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर हिजाब का विरोध किया था। अब जायरा वसीम और सना खान के बाद एक और ऐसी बॉलीवुड से बिग बॉस से जुड़ी ऐसी प्रतियोगी है मजहबी सिद्दीकी। इन्होंने भी कह दिया है कि अल्लाह का फरमान आया है, अब मैं सिर्फ हिजाब पहनूंगी, अल्लाह की राह पर चलूंगी, और इन्होंने हिजाब पहनना शुरू कर दिया है। देखिए, कभी भी किसी भी जाति धर्म में जिसे जो पहनने का शौक है वो पहने, जो अपने धर्म के हिसाब से चलता है उसे चलने दिया जाना चाहिए, उसमें रोक टोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज में राजनीति जब लेकर हम चलते हैं तो वहां पर कुछ न कुछ तो आपत्तियां आती हैं और इसी तरह से कुछ न कुछ बड़ी वारदातें होते रहती है। अब मजहबी सिद्दीकी हैं, इन्होंने क्या कहा है कि अल्लाह की इबादत करके मुझे सुकून मिला है, मैं चाहती हूं कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए और मुझे नेक रास्ते पर चलने की तौफीक फरमाए। बिग बॉस 11 का हिस्सा रह चुकी है, ऐलान के कुछ दिन के बाद ही इंस्टाग्राम पर इन्होंने अपनी सारी पुरानी तस्वीरें डिलीट कर दी है और हिजाब के साथ कई सारी तस्वीरें इन्होंने पोस्ट की है और अपने धर्म से रिलेटेड चीजें भी ये पोस्ट करते हुए नजर आ रही है। आगे ये लिखती हैं कि मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं 2 साल से बहुत परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे सुकून मिले। इंसान जो गुनाह करता है उसकी इज्जत तो थोड़ी देर में खत्म हो जाती है लेकिन उसका गुनाह कयामत तक रहता है। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी असल जिंदगी को भूलकर दुनिया की दिखावे वाली जिंदगी जी रही हूँ। अल्लाह की नाफरमानी कर इंसान को कभी सुकून नहीं मिलता। आप लोगों को खुश करने के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लो या कितना भी वक्त दे दो, लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर है कि आप अपना वक्त अल्लाह को राजी करने में लगाएं जिससे मेरी और आपकी आखिरियत बेहतर हो जाए। आगे मजहबी सिद्दीकी ये लिखते हैं कि मैं सना खान बहन को 1 साल से फॉलो कर रही थी, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, उन्हें देखकर मेरे अंदर बयान सुनने का शौक जगा। अल्लाह से तौबा कर मुझे जो सुकून मिला उसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जो सुकून मैं ढूंढ रही थी वो मुझे नमाज यानी अल्लाह की इबादत कर मिला। अब से ये नियत कर ली है मैंने, हमेशा हिजाब में रहूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए, साथ ही मुझे नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो ये है बिग बॉस में एक तो आप कह सकते हैं कि बिग बॉस और बॉलीवुड की जो रंगीन दुनिया है इससे निकलकर मजहबी सिद्दीकी जो है अब वो धर्म के रास्ते पर चल पड़ी है, अब वो अपने धर्म से रिलेटेड ही चीजें करने वाली हैं।